प्रधानमंत्री मोदी भाषण पूर्व मैदान प्रस्तुत करिछंति गृहमंत्री अमित शाह विरोधी उपरे करिछंति सानित अटाक। शाह कहिछंति अनास्था प्रस्ताव केवल लोकंकु विभ्रांत करबा पई विरोधींकर सरकार उपरे अनास्था हेले मोदींको उपरे कोटि कोटि लोकंकर रहिछि आस्था। गृहमंत्री कहिछंति जेनतेन प्रकारे क्षमता हाताइबाकु विरोधींकर प्रचेष्टा। कांग्रेसर मूल सिद्धांत क्षमतारे रहिबा दुर्नीति करबा कोटि कोटि टंका खर्च करी अनास्थारे विजय हेबाकु चाहुछंति। एमानकर अपचेष्टा धरा पडुछि चक्रांत लोके जानि सल्लेनि बोली कहिछंति शाह। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है न सदन को अविश्वास है और ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। कांग्रेस ने 30 साल तक कोई सरकारों को चलने नहीं दिया। चंद्रशेखर जी को सबसे पहले, चरण सिंह जी को समर्थन दिया सरकार, फिर चंद्रशेखर को समर्थन दिया सरकार, देवगौड़ा को समर्थन दिया सरकार। इनकी फितरत मान्यवर अस्थिरता है। मोदी जी ने, एनडीए ने, भाजपा ने देश को स्थिर शासन दिया है, इसलिए देश विकास। आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं, आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। नरेंद्र मोदी जी के जहन में, नरेंद्र मोदी जी के जहन में गरीबी का डंख भी था, दंश भी था, क्योंकि वो स्वयं गरीब के घर से आकर इस सबसे बड़ी पंचायत में आए। हर क्षेत्र में भारत को विश्व में नंबर वन बनाने का लक्ष्य मिलते हैं और मैं इनको कहना चाहता हूं, आपको अविश्वास है, जनता को विश्वास है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भी अगर आप जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर नहीं जाएंगे, ऐसे गलत मुद्दे लेकर जाएंगे तो वहीं बैठना पड़ेगा।